Honorable Governor, okay, sir.
Chimpur, and everyone over there. We have a special distribution of agriculture equipment to tribal agriculturists or SEG members. We have Ajin R Society. Ajin R Society, please join us on speech. In the alley of our land here. It's us, Stephen, that the agriculture equipment by SEG Ajin R Society for graduates. Thank you, sir. May I request Honorable Governor, sir, to please address the gathering. Janjatiya Gaurav Divas ke vishesh avsar par hardik badhai deta hu, jo Bhagwan Birsa Munda ki jayanti ke avsar par manaya jata hai. Mujhe aasha hai ki ye vishesh avsar hum sabhi ko dharm nirpekshta, samanta aur samvaidhanik adhikaron ke liye drathta se khade hone ke liye prerit karega. विशेष रूप से हमारे आदिवासी समुदाय पर ध्यान केंद्रित करेगा. भगवान बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जन नेता और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के मुंडा जनजाति के एक क्षेत्रीय नायक थे. उन्होंने आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और आदिवासी विश्वास, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रयास किया. बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को अपनी आदिवासी जड़ों की ओर वापस जाने और अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया. भगवान बिरसा मुंडा न केवल एक आदिवासी नेता थे बल्कि राष्ट्रीय नायक भी थे, जिनके ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान किए गए प्रयासों से कई लोगों को प्रेरित किया. उनकी दूरदर्शिता, लचीलापन और अपने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष भारत के आदिवासी समुदायों की भावना का प्रतिनिधित्व करना, उनके जीवन और योगदान का जश्न मनाना, राष्ट्र को उनकी विरासत और उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों की याद दिलाता है. मैं आप सभी के साथ मिलकर हमारे पूज्य भगवान बिरसा मुंडा और हमारे सभी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना जीवन दिया, को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. मैं उन आदिवासी नेताओं को भी श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में हमेशा योगदान दिया. यह अवसर आदिवासी समुदायों के पारंपरिक शिल्प, वस्त्र और कला रूपों को भी उजागर करता है, जिससे स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसायों के लिए अवसर बढ़ते हैं. आदिवासी विरासत का प्रदर्शन पर्यटन को आकर्षित कर सकता है, जो इन क्षेत्रों को आर्थिक लाभ प्रदान करता है. माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप मुझे विश्वास है कि जनजातिया गौरव दिवस नागरिकों को आदिवासी समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलता और आजीविका के अवसरों में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा. तकनीकी विशेषज्ञ और व्यापारिक घर आदिवासी कला, संस्कृति और विरासत और बोलियों, भाषाओं के संरक्षण में सुविधा प्रदान करेगा. मुझे विश्वास है कि यह अवसर हमारे आदिवासी समुदायों के लिए नई नीतियाँ और कल्याणकारी गतिविधियों का अग्रदूत होगा. मैं सभी से, विशेषकर हमारे आदिवासी समुदायों से अपील करता हूँ कि वे विकास प्रक्रिया में भागीदार बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, पहल करें और अपनी क्षमता का सदुपयोग करें. अरुणाचल की जितनी भी जनजातियां हैं, मैं समझता हूं कि जिस प्रेम भाव के साथ हम सब रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और अपने प्रदेश को विकसित बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं, तो हमारा ध्येय यही रहेगा कि आने वाले समय में हम एकजुट होके, एक साथ मिलके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं, महान बनाएं और एक प्रगतिशील प्रदेश बनाए. आज का दिन जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनके आदर में, सत्कार में हम ये मना रहे हैं. तो मेरी अरुणाचल के सभी जनजातियों के सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि आप मेहनत करें, अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी जनजातियों को आगे बढ़ाएं. और हमने ये प्रण लिया है
कि अरुणाचल में प्रगति होगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो जनजातियों के कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं वो हम बरकरार रखेंगे।